अच्छा कहता है कि सब पढ़ के क्या करे, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि पढ़ाना छोड़ दे आदमी? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना वैकेंसी है। नहीं है वैकेंसी, मानते हैं। पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। कोई हमारे विदेश मंत्री को कहे ना कि ऐसे मत बोलिए, तनी शुगर कोटेड बोलिए, अभी ये सुना दिए हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री को। अगर आप ही से कहिएगा कि शिक्षा का क्या महत्व है, तो आपको फाउंडेशन कोर्स करा दीजिएगा। नहीं ना, आप उसको समझाइएगा कि देखिए शिक्षा का क्या क्या महत्व है। समझना कि नहीं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना वैकेंसी है। नहीं है वैकेंसी, मानते हैं। जिनका सिलेक्शन यूपीएससी में होता है वहां जाते हैं, कुछ पीसीएस में जाते हैं, कुछ सचिवालय में जाते हैं, कुछ दरोगा में जाते हैं। अगर कुछ भी नहीं होता है तो देश में एक जो जिम्मेदार नागरिक तो मिलता है, सड़क पर ऐसे घूम रहा है बिना मतलब का, जिसको ये नहीं पता है कि दाहिने से चलना है कि बाएं से चलना है, एम्बुलेंस को साइड देना है या नहीं देना है। तो एक चलता फिरता एक मानव देश के लिए तो एक जिम्मेदार आदमी मिला ना। अच्छा कहता है कि सब पढ़ के क्या करे, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि पढ़ाना छोड़ दे आदमी? कह दो तो उन लोग का, अरे यार क्या बोल दिया ये मास्टर, खड़े बात बोल दिया यहाँ तो। यहाँ शुगर कोटेड करके बोलिएगा तो अच्छा लगता है। और क्या चाहते हैं आप यहाँ पे? पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, पढ़ाई का उद्देश्य है व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना वहाँ पे। और जिम्मेदार व्यक्ति अपना रास्ता निकाल लेता है, उसे पता है परिवार के लिए क्या जिम्मेदारियां है, खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जिम्मेदारियां, वो क्या करता है निभा। जैसे हमारे में एकता की बात कही गई, अखंडता की बात कही है, हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारा देश गणराज्य भी है, गणराज्य मतलब राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है तो गणराज्य भी है। तो हमारा देश में बहुत सारी चीज़ें, तो एक लाइन में नहीं ना समझा सकते, तो उसी के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, प्रस्ताव। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समाज नागरिकों को समान आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, अरे जब बिचवा में तुड़वा दिया सब यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया इसको पूरा समझ में आ गया? तो देखिए, आई हैव लर्न दिस प्रीएम्बल इन इंग्लिश, वेरी गुड। इंग्लिश प्रीएम्बल याद है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान क्या कहता है, हम भारत के लोग, यानी संविधान में अल्टीमेट सारा पावर किसको दिया गया, पब्लिक, क्योंकि पब्लिक मुख्यमंत्री को डिसाइड कराती है, वार्ड मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक का ही हाथ है। तो पावर अल्टीमेट किसके पास है, किसके पास है, जन। तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो पूरी शक्ति किसके पास है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण मतलब होता है कंप्लीटली, प्रभुत्व का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी की बपौती भारत में नहीं चले, और अगर भारत में चलेगा तो लोगों का सेंटिमेंट चलेगा। अगर देश किसी, अगर भारत के लोग किसी देश के खिलाफ हैं तो सरकार का मजाल क्या उस देश से शांति समझौता करके चले आए, नहीं हो सकता है वहां पे। तो हमारे देश को भी क्या करना पड़ेगा उसी हिसाब। तो प्रस्तावना के एक एक लाइन में हमारे पूरे संविधान का निचोड़ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ में आ गया। कोई हमारे विदेश मंत्री को कहे ना कि ऐसे मत बोलिए, तनी शुगर कोटेड बोलिए, अभी ये सुना दिए हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, आए थे गोवा में सुना के भेज दिए वहां पे, क्यों, हम प्रभुत्व संपन्न है। लेकिन हमारा देश क्या है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, हमारा देश समाज का भी ध्यान देगा। रेलवे को लाख घाटा हो जाए लेकिन रेलवे बंद नहीं होगी, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन होता, पूंजीवाद होता, तो घाटा लगे तो बंद कर दो। तो हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जिसमें घाटा लगता है लेकिन हम बंद नहीं करते, क्योंकि हम लोग किसको भी ध्यान दे देते हैं, समाज को भी ध्यान देते हैं।